नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ, इनका इतिहास ही दंगों से भरा है, झूठ से भरा है, नफरत से भरा है। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और अपने लोगों की, अपने चहेते पूंजीपतियों की इंस्टीट्यूशनल तरीके से करप्शन करके झोलियां भरी, झोला उठा के चला जाऊंगा जो कहते थे वो इसीलिए कहते। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ अय्याशियां की, उसके पहले भी किए लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे हम देख रहे। अब आप यह समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे महंगा प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे ज्यादा पूंजीपतियों का पोषक मंत्री प्रधानमंत्री, और सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला प्रधानमंत्री, यही देख। हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं जो नरेंद्र मोदी के खास मित्र हैं, जिनके लिए नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी करने गए थे। अब की बार फिर ट्रंप सरकार, याद होगा आपको, बहरहाल हरा के आ गए थे। वही ट्रंप कल कमला हैरिस से जब कंपटीशन कर रहे थे और उनके साथ डिबेट हो रही थी, उस डिबेट में वो बुरी तरह, उन्होंने वहां पर वही स्थिति करी जो नरेंद्र मोदी कहते। नरेंद्र मोदी बताते ना, उनका दोस्त अब्दुल्ला, जिसके घर में क्या पकता था वो और उनके घर में क्या पकता था, दोनों पता नहीं किसके किसके यहाँ क्या क्या खाया करते थे और वो होता था, पता ही नहीं चलता था कौन क्या है। हर तीज त्योहार पे अब्दुल्ला के यहाँ वो जाते, अब्दुल्ला उनके यहाँ आता और सब कुछ बताते थे। उसी तरीके से कल की डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्होंने अब्दुल्ला के घर की फोटो उन्हें भेज दी और तालिबान को डरा दिया। सभी को पता है कि तालिबान ने अमेरिका की हालत खराब कर दी थी और परेशान हो गया था अमेरिका। ये तो कहिए, बाइडेन के समय में थोड़ा सा समझौता हुआ और उसके बाद में मामला शांत हो। तो इसी तरीके के झूठ बोले जाते हैं, ऐसे ही झूठ बार बार करे जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अब्दुल्ला शब्द से कितना चिढ़ते हैं इसका उदाहरण बताता कि वो कपड़ों से मुस्लिम्स को पहचानते हैं, कपड़ों से और दूसरे लोगों को पहचानते हैं। उनकी बहन बेटियों के मामले में उन्हें इंटरफेयर करने की बड़ी आदत है, उनकी शिक्षा पद्धति पे हमले करने की आदत है, और ये सब कुछ चल रहा है। जब यह चल रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी जब जीत नहीं पाती है तो नफरत फैलाती है, दंगे कराती है, और यही आरएसएस बीजेपी का मूल चरित्र है। राहुल गांधी ने यही तो बताया अमेरिका। राहुल गांधी का यह बताना था कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बिगड़ गई और वो कहानियां गढ़ने लगी, झूठ बोलने लगी, जाने क्या क्या करने, वीडियो काट छाट के और किस तरीके से नफरत फैलाने का तमाम समुदायों में काम शुरू हो गया, किसी से छिपा नहीं। बहरहाल अब मैं बात करता हूं कि हुआ क्या है। एक मस्जिद है शिमला जिले में, संजौली में, और संजौली में जो ये मस्जिद है वो मस्जिद आज की नहीं है, 14 साल से उसको लेके विवाद ही चल रहा है, उसके पहले से, और 14 साल से मुकदमा नगर आयुक्त के कोर्ट में पेंडिंग है। उस दौरान वीरभद्र सिंह की भी सरकार रही, उस दौरान बीजेपी की भी सरकार रही, 2 बार बीजेपी की सरकार रही, और इसके बाद स्थिति यह है कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और उनके कथित हिंदूवादी संगठन के लोग मस्जिद पर हमला करने पहुंच जाते हैं,
मस्जिद को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मैं धन्यवाद दूंगा हिमाचल की सरकार का कि उसने बड़े संजीदगी से बड़े अच्छे से हैंडल किया और ऐसे हमलावरों को खदेड़ा, उन पर लाठीचार्ज भी किया, करना भी चाहिए था। जब अदालत में पेंडिंग है, अदालत जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। जो वहां की विधानसभा है, वहां की विधानसभा में जो इलाके के एमएलए है और कांग्रेस में मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ी गंदी भाषा में इस पर बोला था, तो स्वाभाविक सी बात है आप गलत भाषा इस्तेमाल करेंगे तो उचित नहीं। बहरहाल इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई नियम के अनुकूल होगी, मंत्री के कह देने मात्र से नहीं होगी। यह भाजपा का सरकार नहीं है कि कुछ भी कर ली, न मंदिर पर, न मस्जिद पर, न गुरुद्वारे पर, न चर्च का। हर धर्म का अपना स्थान है, हर एक का अपना सम्मान। बहरहाल इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो रहा है, यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा किया गया है, और विवाद बड़ी छोटी सी बात पे खड़ा हो, एक हिंदू लड़के का एक मुस्लिम लड़के से कारोबारी कारण से विवाद हो जाता है, एक दूसरे से मारपीट हो जाती है, वो ज्यादा होते हैं वो मारपीट कर देते हैं, जब उनको पकड़ने आते हैं उस समय वो नमाज पढ़ने गए हुए होते हैं तो सब मस्जिद पे गुस्सा फूट पड़ता है। अब मस्जिद को अवैध बताने से लेके सब कुछ बताया जा रहा है। चलिए यह बात तो वक्फ बोर्ड ने भी मान ली है कि उसमें जितनी सेंक्शन थी, जितने का नक्शा पास था, उससे ज्यादा मंजिलें बना ली, और ये कोई कांग्रेस के समय में नहीं बनी, पहले बनी थी, उसी का मुकदमा चल रहा है, बीजेपी सरकार में बनी, लेकिन साथ इसी समय बवाल करना है। क्यों बवाल करना है? क्योंकि यदि कांग्रेस सरकार उपद्रवियों पर लाठी चार्ज करती है, कोई एक्शन लेती है, तो उससे यह प्रदर्शित किया जाएगा, देखो कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है, और वहां पर 98% हिंदू है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके जरिए कौन सा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी 2-3 घटनाएं हुई, एक सहारनपुर का वीडियो था, और सहारनपुर के वीडियो को हिमाचल का वीडियो बता करके हमला किया गया था मुस्लिम समुदाय पे, और वो भी बीजेपी के ही नेता ने किया था। यह भी आप जान लीजिए, उसी में वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने, जो ठाकुर है, उसने किस तरीके से झूठ फैलाया था कि पहाड़ों से जो वो आते हैं उन्होंने जाने क्या क्या क्राइम किया है और सब कुछ करके उनको लेकर के तमाम वो फैलाया था, जो एक हत्या हुई थी उस मामले में, जबकि वास्तविकता उससे काफी कुछ अलग थी, लेकिन झूठ फैला करके जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया, अमाउंट बताया, सब कुछ बताया, सब झूठा पाया। तो यह स्थिति है, लेकिन वहां हमला आप कर रहे हैं, उनके घर पे हमला कर रहे हैं, ये इसलिए कि जैसे ही कांग्रेस सरकार एक्शन लेती है तो ये कहा जाता है देखिए ये हिंदू विरोधी, यह इनकी रणनीति, और यह आज से नहीं कर रहे, देश की आजादी के पहले से, जब इनकी दाल नहीं गल पाई, ये भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, तो जब इन्होंने देखा 1946 में कि बात नहीं बन रही है, तो कलकत्ता में, जहां पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन आरएसएस, हिंदू महासभा की और मुस्लिम लीग के मिल के सरकार थी, दोनों की ज्वाइंट सरकार, उस सरकार में वहां सबसे ज्यादा दंगा फसाद हुआ, वो कोलकाता के दंगे, और उस दंगे में 4,000 से अधिक लोग मारे गए, नफरत का जहर बो दिया गया। इसी तरीके से सीमांत प्रांत में हो, दूसरे और प्रांतों में हो, उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, ये सारे दंगे फिर शुरू कराए, और इन सारे दंगों में हाथ किसका था? आरएसएस का था। और जब जब आप देखेंगे दंगों की शुरुआत वहीं से होती है,
उकसाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि आप लाइमलाइट में आ जाओ और दंगे करा दिए जाए। तो यह है। तो अब राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की बुरी स्थिति है, जीतने के हालात नहीं नजर आ रहे। हालत यह हो गई है कि जहां 40-50 साल से कोई प्रधानमंत्री, 79 में श्रीमती इंदिरा गांधी डोडा गई थी, उसके बाद किसी ने जाने की जरूरत महसूस नहीं करी। जो भी उनकी समस्याएं होती थी वो हल हो जाती थी श्रीनगर से, जम्मू से। तो नरेंद्र मोदी अब वहां डोडा जाएंगे, वहां से प्रचार करेंगे। क्यों वो सब कर रहे हैं? क्योंकि असल में हालत बिगड़ी हुई, और जिस तरीके से आतंकवादी समर्थक जो है उनका वो पीछे से समर्थन करते हैं, उनके लिए वो प्रत्याशी नहीं उतारते, और फिर जैसे ही चुनाव आता है उन लोगों को जमानत दे देते हैं। तो आप समझिए ये इनका खेल। इसी खेल के तहत सारी चीजें हो रही। तो अब ये दंगे फसाद करा के नफरत फैलाई जा रही। उधर राहुल गांधी गए हुए हैं विदेश, तो वहां पर जो बोल रहे हैं वो यह बोल रहे हैं कि जब तक देश के लोगों को हक नहीं मिल जाएगा, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को पूरा हक नहीं मिल जाएगा, सभी समानता में नहीं आ जाएंगे आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से, तब तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। आरक्षण खत्म करने पे तभी विचार होगा जब सब बराबर आ जाए। बिल्कुल सही बात है, यह बात हर कोई कहता है। सिखों के लिए भी उन्होंने यही कहा कि आज यह हालत हो गई है सिख और दूसरे अल्पसंख्यकों पे कि वो पगड़ी भी बेचारे ना पहन पाए, गुरुद्वारे भी ना जा पाए, इस तरह के हालात कर दिए। आप देखिए ना कि किस तरीके से किसानों को और सबको बदनाम करने का पूरा खेल करती रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जो खेल किए हैं उनको समझने की जरूरत है, और वो खेल इस तरीके से किए गए कि बदनाम किया जाए, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी मवाली, कभी कुछ किसानों को बदनाम किया, क्योंकि वो सिख थे इसलिए उन्हें खालिस्तानी कहे। ये बीजेपी करती थी और लांछन लगाती। दिल्ली में आप याद करिए 2020 में दंगे हुए थे सांप्रदायिक, किसने कराए थे, कहां से आग बन पाई गई? कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उमर खालिद जेल में बंद रहेगा। क्यों? वो अल्पसंख्यक समुदाय से, सिख तमाम सारे लोग जेल में बंद रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इसीलिए राहुल गांधी ने इसको लेके कहा। राहुल गांधी ने बताया कैसे चुनाव मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, सब कुछ करके बेईमानी से चुनाव जीता गया है। उन्होंने बताया कैसे सारे काम धंधे उत्पादन चीन को दिया जा रहा है, हम सिर्फ ट्रेडिंग करने में रह गए हैं, कुछ व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, ट्रेडर्स को फायदा देने के लिए नरेंद्र मोदी ये सब खेल कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं, बेरोजगारी में धकेल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। राहुल गांधी ने तो तैयारी कर ली थी। याद करिए, मैंने लोकसभा चुनाव के जब हो रहे थे उसी दौरान कहा था कि राहुल गांधी ने अपने लीगल उसके जरिए पूरी फाइलें तैयार कर ली नरेंद्र मोदी के हर भ्रष्टाचार हर चीज की, और सरकार बदलते ही नरेंद्र मोदी के जेल जाने की तैयारी हो जाए। आज मेरी उस बात को डिटो कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो आज जम्मू कश्मीर में थे, अगरतला में वो मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा जिस तरीके के माहौल बनाए गए हैं, जो हालत हुई, जिस तरीके से चुनाव मशीनरी और दूसरी चीजों का दुरुपयोग किया गया, उसके बूते ये जीत गए। यदि हमारी 20 से अधिक और सीटें आ गई होती, 20 से ऊपर, तो आप यह मान के चलिए जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो जेल में होते,
बिल्कुल होते, वो साजिशें बेनकाब होती कि कैसे नरेंद्र मोदी ने खेल करके बेईमानी करके सारे काम किए हैं, चुनाव में किया है, लोगों को लड़वाने किया है, दंगे फसाद कराए हैं और बहुत सारी चीजों, तमाम भ्रष्टाचार की फाइलें खुल जाती कि किस किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार किया गया है। और फिर नरेंद्र मोदी की जगह वहां नहीं तिहाड़ में होती। लेकिन जब उतनी सीटें कम हो गई और छद्म लोगों और चुनाव आयोग के दुरुपयोग के बूते, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, लेकिन बैसाखियों पे प्रधानमंत्री। और न कांग्रेस डरती है, न राहुल गांधी डरते हैं, और न मैं डरता हूं। तो सबसे बड़ी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80 साल से अधिक उम्र के, वो कहते हैं, वह बुजुर्ग वह दम भरता है कि हम डरते नहीं हैं, हम तो ठोंक के कहते हैं। डरते वो हैं, और वो डरते हैं तो झूठ नफरत और सब कुछ फैलाते हैं, दंगे फसाद कराते हैं। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही देख, जिस समय 2014 में चुनाव का माहौल था, और चुनाव के माहौल के समय में कांग्रेस तो 2 ही महीने एक प्रकार से सत्ता में रही, उसके बाद तो चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, और फिर 2014 में मोदी सरकार। तो उस 2014 में करीब 1300 दंगे हुए थे, 1300 सांप्रदायिक दंगे। क्यों? क्योंकि सरकार पलटनी थी, झूठ बोलना था, तमाम तरह से नफरत फैलानी थी, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वही काम कर रहे हैं हिमाचल में, वही काम कर रहे हैं मणिपुर में, वही काम कर रहे हैं दूसरी जगह, नू मेवात में किया था, याद करिए। और इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ही थे जब 2013 में जिस तरीके से नफरत पनपाई गई थी, दंगे कराए गए थे मुजफ्फरनगर, उसका भी इतिहास देख लीजिए, कहां से शुरू हुआ था, कैसे झूठ फैला करके और उसका अफवाह फैला करके सब कुछ किया गया। इसी तरीके से सहारनपुर हो, कासगंज हो, दूसरे और जगह हो, ये आपको उदाहरण मिल जाए। तो नरेंद्र मोदी के समय में, चाहे राजस्थान में हो, करौली में और दूसरी जगह, मध्य प्रदेश में हो, तो दंगे कराने की विशेषज्ञता है, नफरत फैलाने की विशेषज्ञता है। इसलिए आप यह मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी भाजपा यह खेल करने में जुटे हैं, जिससे कैसे अल्पसंख्यकों के वोट बांट लिए, और इसके लिए वो साजिश करते हैं और बाद में फिर उन्हीं को ही शिकार बनाते हैं। अब्दुल्ला के घर का खाते थे, खुद बताते हैं, और अब जो है किसी मुसलमान के खाने पे तकलीफ है, उस पर हमला करेंगे, उसके लिए कहानियां बताएंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, इसे हमें सबको जानना चाहिए, नहीं तो हम सब पिस जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी जननायक बन के आते हैं, वो मोहब्बत के सिपाही बन के आते हैं, और न्याय के योद्धा बन के आते हैं। तब वो भारत की धरती हो या भारत के बाहर हो, हर मंच पर सच बोल देते हैं, भाजपा आरएसएस को बेनकाब कर देते हैं, नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से वो करते हैं, उनकी औकात बताते हैं, यह अपने आप में बड़ी बात है। यह हिम्मत कम में ही होती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उनके प्रत्याशी भागते हैं, उनको बार बार अपनी लिस्ट बदलनी पड़ रही है, यह और इनका सफाया होने की तरफ सब बढ़ चुका है। Yeah.